अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वीकेंड्स कुकिंग विद निदा। आज हम बनाएंगे चीज़ी स्पैगेटी। आई होप ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चीज़ी स्पैगेटी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे और 1 टेबल स्पून चॉप्ड हरी मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें 1 कप या 250 ग्राम चिकन क्यूब्स डाल देंगे। जब चिकन क्यूब्स हल्के से फ्राई हो जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल करें, अदरवाइज आप रहने दें। इसमें 1/2 लेमन डालने के बाद हल्का सा फ्राई करके 1 से 2 मिनट 1/2 लेमन डाल दें और इसके बाद इसका चूल्हा बंद करके इसे कवर करके रख दें। स्पेगेटी बनाने के लिए हम पानी में सबसे पहले 1 टेबल स्पून सॉल्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें 1/2 पैकेट स्पेगेटी शामिल कर देंगे और इसको साइड पर 8 से 10 मिनट पकने के लिए छोड़ दें। अब हम एक पैन में 3 टेबलस्पून बटर लेंगे या 1 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून बटर भी ले सकते हैं। फिर इसमें हम एक छोटी प्याज ऑमलेट जैसी कटी हुई शामिल कर देंगे, 1 मिनट भूनेंगे और इसमें 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक शामिल कर देंगे। इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून मैदा शामिल कर देंगे। मैदा शामिल करने के बाद हमें इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट भूनना है। ताकि मैदे का कलर चेंज, मैदे का कच्चापन दूर हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो हम इसमें 1 कप मिल्क शामिल करेंगे। मिल्क हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे और चमचा तेज तेज चलाएंगे ताकि लम्स वगैरह ना बने। इसे कंटिन्यूसली चलाना है। फिर इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वाइट 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करके सिर्फ मिक्स करना है। ज़्यादा देर पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। अगर आपके पास अनियन पाउडर है तो आप 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर शामिल कर दें और इसमें फिर ये बॉयल स्पैगेटी शामिल कर दें। इसको छानने की और ठंडे पानी से धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट डालेंगे तो इसका जायका ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको मिक्स करेंगे और 1/2 कप मोज़रेला चीज़ शामिल कर देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे और 1/2 लेमन जूस शामिल कर देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया है या पार्सले है तो आप वो भी चॉप करके शामिल कर दें। ये सिर्फ कलर के लिए है। आप इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो हमने फ्राइड चिकन बनाई थी वो रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, इस पार्सले है तो वो भी डाल सकते हैं, ओरिगानो भी शामिल कर सकते हैं।
ये स्पेगेटी बहुत मज़े की बनती है, आप लोग एक दफ़ा इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ी स्पेगेटी तैयार है।